उज्जैन में हर त्योहार व पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। इसी तारतम्य में 21 पुरोहितों द्वारा नंदी हॉल में धनतेरस का त्योहार बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। हर त्योहार एवं पर्व की शुरुआत बाव महाकाल के आंगन से होती है। दीपों के पर्व पर विशेष बाव महाकाल के दरबार को विद्युत सज्जा के साथ नंदी हॉल गर्भगृह को आकर्षक तरीके से सजाया गया। धनतेरस के दिन पुरोहितों द्वारा विधि विधान से बाव महाकाल के नंदी हॉल में 21 पुरोहितों द्वारा धनवंतरी, गजानन गणपति, शिव पार्वती की पूजा अर्चना की गई। हर वर्ष परंपरा अनुसार कलेक्टर इस पूजन में शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसी कारण पुरोहितों ने संख्या भी कम करते हुए संक्षेप में पूजा अर्चना की, जिसमें परंपरा का निर्वहन भी हो सके और किसी को संक्रमण भी ना फैले, इसका भी विशेष पुरोहितों द्वारा ध्यान रखा गया। इसी तारतम्य में आज 21 पुरोहितों द्वारा विधि विधान के साथ धन्वंतरी की पूजा अर्चना संपन्न की गई। बंसल न्यूज से खास बातचीत में पुरोहितों द्वारा बताया गया कि धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के पावन पर्व पर विशेष महत्व रखती है। इसमें अष्ट धातु के रूप में चांदी के सिक्कों का पूजन भी किया जाता है। मिठाइयाँ बांट कर एक दूसरे को दीपों के पर्व की बधाइयां दी जाती हैं। शिव परिवाराय नमो नमः, गणगणपतये नमो नमः, माता पार्वती नमो नमः, कार्तिकेयाय नमो नमः, गणसं रत्ना गर्भोदरांगं नमामि गंगाराय जमय सराय नमः, शिवाय च शिवाय। धनतेरस के उपलक्ष्य में श्रीमद्धि प्राप्त करे, धन धन की वर्षा हो, प्रति घर में खुशी का दिया जले, इसी कामना के साथ हम भगवान महाकाल की धनतेरस के रोज पूजा करते हैं। पूजा पाठ का विधि विधान रहता है कि सुबह के समय में हम लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं प्रथम, फिर पार्वती माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं और सभी को समृद्धि का आशीर्वाद मिले, यही पुरोहित वाले परिवार की इच्छा होती है।